अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद वैस सादिक एंड आई एम गोइंग टू टीच यू क्लास 10 मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट किया था और उसका पार्ट 1 टू पार्ट 6 कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 2 के पार्ट 7 से कंटिन्यू करेंगे, तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ। क्वेश्चन 2 था हमारे पास, राइट शॉर्ट आंसर्स ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो इसका पार्ट 7 है, फाइंड पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, इसके डिनोमिनेटर में लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं विच आर डिस्टिंक्ट। तो हमने रूल 1 में ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन हो और उसके डिनोमिनेटर में लीनियर एंड डिस्टिंक्ट फैक्टर्स आ जाए, देन हम उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह रिजॉल्व करते हैं। हमारे पास ये जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है, इसको आप पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। तो ये आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू a ओवर x प्लस 1 प्लस b ओवर x माइनस 1। इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। और यहाँ पे हमारे पास जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन था क्वेश्चन में, उसको पार्शियल फ्रैक्शन में तो रिजॉल्व कर लिया है, लेकिन ये जो कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b, ये अननोन है अभी, तो इनको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से। एंड राइट हैंड साइड पे पहला जो फ्रैक्शन है वो है a ओवर x प्लस 1, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 से प्लस b ओवर x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है एंड x माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है। एंड राइट साइड पे जो पहला फ्रैक्शन है उसमें x प्लस 1 से कैंसिल हो रहा है एंड दूसरे फ्रैक्शन में x माइनस 1 से कैंसिल हो रहा है। अब हमारे पास जो बाकी की रिमेनिंग टर्म्स है हम उनको लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस 1 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 और इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं हमारे पास दो लीनियर टर्म्स मौजूद हैं, x माइनस 1 एंड x प्लस 1। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जीरोस मेथड अप्लाई करेंगे बाय पुटिंग x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 और फिर x की वैल्यू को निकाल के इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे x माइनस 1 0 के इक्वल आ गया और x किसके इक्वल आ गया, फिर 1 के इक्वल आ गया। अब इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x आ रहा है वहाँ पे 1 को पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस 1 प्लस b इंटू 1 प्लस 1। अब हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, अब a यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 1 माइनस 1 से, 1 माइनस 1 इज 0 एंड 0 इंटू a इज अगेन 0। तो यहाँ पे आ जाएगा b इंटू 2। अब यहाँ से b फाइंड करते हैं, b हमारे पास इक्वल आ जाएगा 3 ओवर 2 के। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हमारे पास इक्वेशन 2 में ये जो x प्लस 1 है ये भी एक लीनियर टर्म है, अब इसको 0 के इक्वल पुट करेंगे और x की वैल्यू को फाइंड करके वापस इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और x किसके इक्वल आ गया, माइनस 1 के इक्वल आ गया। अब हम इक्वेशन 2 में x की जगह क्या पुट करेंगे, माइनस 1। तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 1 माइनस 1 प्लस b इंटू माइनस 1 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू माइनस 2, अब यहाँ पे b के साथ माइनस 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 प्लस 1 इज 0 एंड 0 इंटू b इज अगेन 0। तो a यहाँ से फाइंड करते हैं, a हमारे पास किसके इक्वल आ गया, माइनस 3 ओवर 2 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास b एंड a आ चुके हैं, अब इन दोनों को क्वेश्चन नंबर 1 में पुट करते हैं। हमारे पास आ जाएगा लेफ्ट साइड पे 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू ए की जगह आ जाएगा माइनस 3 ओवर 2 ओवर x प्लस 1 प्लस
एंड पी की जगह क्या आ जाएगा, 3 ओवर 2 ओवर एक्स माइनस 1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ओवर x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 3 ओवर 2 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 ओवर 2 इंटू एक्स माइनस 1। तो हमारे पास क्वेश्चन में जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन गिवन था, यहाँ पे हमने उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर लिया है और यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। पार्ट नंबर 8 है रिसॉल्व x ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर इनटू पार्शियल फ्रैक्शंस। अब यहाँ पे जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ रहे हैं। अब हमने एक रूल नंबर 2 पढ़ा था, रूल नंबर 2 में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन में रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स आ जाए देन हम उनको पार्शियल फ्रैक्शंस में किस तरह रिजॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे जो x माइनस 3 है वो एक लीनियर फैक्टर है और इसके ऊपर जो स्क्वायर है इसका मतलब ये है कि ये दो दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे इसको पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखते हैं, तो ये आ गया x ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा a ओवर x माइनस 3 प्लस b ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने जो अल्जेब्रिक फ्रैक्शन था उसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिसॉल्व कर दिया है, लेकिन जो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स हैं a एंड b ये अननोन है। अब इनको फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले इसको नेम देते हैं इक्वेशन 1 का। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर को हम दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विद x माइनस 3 होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा x, एंड राइट साइड पे आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस 3 प्लस b। इसको नेम देते हैं इक्वेशन 2 का। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं इक्वेशन 2 में हमारे पास एक लीनियर टर्म मौजूद है x माइनस 3, तो इसके ऊपर हम जीरोस मेथड अप्लाई करते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, x माइनस 3 को 0 के इक्वल पुट करेंगे एंड देन x की वैल्यू फाइंड करते हैं, तो x क्या आ जाएगा 3 के इक्वल। अब यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 इज इक्वल टू a इंटू 3 माइनस 3 प्लस b। अब यहाँ पे देखा जा सकता है a मल्टीप्लाई हो रहा है 3 माइनस 3 से, 3 माइनस 3 इज 0 एंड 0 इंटू a इज अगेन 0, तो हमारे पास क्या आ जाएगा b इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे b तो हमारे पास 3 के इक्वल आ गया, लेकिन a फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन 2 को ओपन करके लिखेंगे और उसके बाद जो अलाइक पावर्स ऑफ x हैं उनके कोफिशंट्स को कंपेयर करेंगे। यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, x इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 3 ए प्लस बी। तो सबसे पहले जो x है उसके कोफिशंट्स को कंपेयर करते हैं। लेफ्ट साइड पे हम देख सकते हैं x के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। एंड राइट साइड पे x के साथ एक ही टर्म है, तो x के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पे a, तो ये आ गया 1 इज इक्वल टू a। अब यहाँ से हमारे पास a किसके इक्वल आ गया, 1 के इक्वल आ गया। अब हमारे पास a एंड b आ चुके हैं, अब इन दोनों को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करते हैं। इक्वेशन 1 में लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास था x ओवर x माइनस 3 स्क्वायर और ये इक्वल हो जाएगा, a की जगह आ जाएगा 1 ओवर x माइनस 3 प्लस b की जगह आ जाएगा 3 ओवर x माइनस 3 होल स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट। पार्ट 9 है हमारे पास हाउ कैन वी मेक द पार्शियल फ्रैक्शंस ऑफ x ओवर x प्लस a इंटू x माइनस a। तो यहाँ पे ये जो a है ये कोई भी एक नंबर है और बाकी हमारे पास एक अल्जेब्रिक फ्रैक्शन है जिसके डिनोमिनेटर में लीनियर टर्म्स आ रही हैं विच आर डिस्टिंक्ट। तो यहाँ पे हमने रूल नंबर 1 पढ़ा है वो अप्लाई होगा, तो सबसे पहले इसको पार्शियल फ्रैक्शंस में रिजॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा x ओवर x प्लस a इंटू एक्स माइनस ए और ये इक्वल आ जाएगा ए ओवर एक्स प्लस ए प्लस बी ओवर एक्स माइनस ए। इसको नेम देते हैं क्वेश्चन 1 का। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो कैपिटल ए है एंड कैपिटल बी है इनको हमने फाइंड करना है
और इनकी जो वैल्यूज आएगी उनको इक्वेशन वन में पुट करना है, देन हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड पे जो फ्रैक्शन है उसके डिनोमिनेटर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं मल्टीप्लाइंग विथ एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए ऑन बोथ साइड्स। लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा x एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a इंटू एक्स माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए। इसको नेम देते हैं इक्वेशन टू का। अब यहाँ पे देखा जा सकता है इक्वेशन टू में हमारे पास दो लीनियर टर्म्स हैं x माइनस ए एंड x प्लस ए। तो यहाँ पे अब हम जीरोस मेथड अप्लाई करेंगे बाय पुटिंग x माइनस ए इज इक्वल टू जीरो और उसके बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको वापस इक्वेशन टू में पुट करेंगे और उसके बाद जो ये x प्लस ए है इसको जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू को फाइंड करके इक्वेशन टू में पुट करेंगे, देन हमारे पास a एंड b आ जाएंगे। तो सबसे पहले x माइनस ए जीरो के इक्वल पुट किया और यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, a के इक्वल आ गया। अब x इज इक्वल टू ए को पुट करते हैं इक्वेशन टू में, तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा a एंड राइट साइड पे आ जाएगा हमारे पास कैपिटल a इंटू ए माइनस ए प्लस बी इंटू ए प्लस ए। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखा जा सकता है जो कैपिटल a है वो मल्टीप्लाई हो रहा है a माइनस ए से, a माइनस ए क्या होता है जीरो एंड जीरो इंटू कैपिटल a इज अगेन जीरो। तो ये हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू बी इंटू ए प्लस ए इज टू ए और यहाँ से b किसके इक्वल आ जाएगा, a ओवर टू ए, a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये b किसके इक्वल आ गया, वन ओवर टू के इक्वल। अब हम x प्लस ए को जीरो के इक्वल पुट करेंगे, x प्लस ए इज इक्वल टू जीरो, यहाँ से x किसके इक्वल आ गया, माइनस ए के इक्वल। अब x इज इक्वल टू माइनस ए को क्वेश्चन टू में पुट करते हैं, लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए एंड राइट साइड पे आ जाएगा कैपिटल a इंटू माइनस ए माइनस ए प्लस बी इंटू माइनस ए प्लस ए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये आ जाएगा लेफ्ट साइड पे माइनस ए एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा कैपिटल a इंटू माइनस टू ए। अब यहाँ पे b मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस ए प्लस ए से, माइनस ए प्लस ए इज जीरो एंड जीरो इंटू बी इज अगेन जीरो। तो अब हम a को फाइंड करते हैं, a हमारे पास आ जाएगा माइनस ए ओवर माइनस टू ए, माइनस से माइनस कैंसिल एंड a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a किसके इक्वल आ गया, वन ओवर टू के इक्वल आ गया। अब हमारे पास a एंड b आ चुके हैं, अब a एंड b को इक्वेशन नंबर वन में पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू, ए की जगह आ जाएगा वन ओवर टू ओवर x प्लस ए प्लस बी की जगह भी हमारे पास क्या आ जाएगा, वन ओवर टू ओवर x माइनस ए। अब इसको सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं तो ये आ जाएगा x ओवर x प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए इज इक्वल टू वन ओवर टू इंटू एक्स प्लस ए प्लस वन ओवर टू इंटू एक्स माइनस ए। तो ये आ गया हमारे पास हमारा फाइनल रिजल्ट जिसमें हमने एक अलजेब्रिक फ्रैक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व कर दिया है। पार्ट 10 है वेदर x प्लस थ्री होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स प्लस नाइन इज एन आइडेंटिटी। अब हमने चेक करना है कि हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या ये आइडेंटिटी है या नहीं है, और आइडेंटिटी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं दैट इज सेटिस्फाइड बाय ऑल द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तो यहाँ पे हम x की कोई भी रैंडम वैल्यू पिक करते हैं और उसको लेफ्ट हैंड साइड में पुट करेंगे एंड देन राइट हैंड साइड में पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आ रही है या नहीं आ रही। तो सबसे पहले हम पिक करते हैं x इज इक्वल टू टू को, इसमें हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फॉर द सेक ऑफ इजीनेस हमने पहले x को 2 के इक्वल पिक किया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 होल स्क्वायर एंड राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 2 प्लस 9। लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास आ जाएगा 2 प्लस 3 इज 5 एंड 5 स्क्वायर इज 25 एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 12 प्लस 9। 4 प्लस 12 इज 16 एंड 16 प्लस 9 इज 25। तो x इज इक्वल टू 2 के लिए हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम x की कोई और रैंडम वैल्यू भी अगर पिक करें देन भी हमारे पास ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी।
तो यहाँ पे हम एक और दफ़ा इसको वेरीफाई कर लेते हैं और x को ले लेते हैं 4 के इक्वल, तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास आ जाएगा 4 प्लस 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 स्क्वायर प्लस 6 इंटू 4 प्लस 9। लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है 7 स्क्वायर एंड राइट साइड पे हमारे पास आ रहा है 4 स्क्वायर इज 16 प्लस 6 इंटू 4 इज 24 प्लस 9, 7 स्क्वायर इज 49 एंड राइट साइड पे हमारे पास क्या आ जाएगा 16 प्लस 24 इज 40 एंड 40 प्लस 9 इज 49। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं हमने x इज इक्वल टू 4 के लिए इस इक्वेशन को भी वेरीफाई कर लिया है। इसी तरह x की कोई और भी वैल्यू पुट की जाए देन भी इक्वेशन वेरीफाई हो जाएगी। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो इक्वेशन है ये एक आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे लिखते हैं द गिवन इक्वेशन इज एन आइडेंटिटी बिकॉज इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ वेरिएबल एक्स। तो ये हमारे पास क्वेश्चन टू का लास्ट पार्ट था। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन टू भी कंप्लीट हो चुका है और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने के साथ हमारा ये चैप्टर नंबर 4 भी कंप्लीट हो चुका है। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 4 का क्वेश्चन 2 के पार्ट 7 टू पार्ट 10 कंप्लीट किया और इसी क्वेश्चन के कंप्लीट होने से हमारे ये चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।